अपराधों की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे और पुलिस की निगरानी में रहे, इसके लिए कटनी मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल अपनी तरफ से विधायक निधि से 5 लाख रुपए कैमरे लगाने को पुलिस विभाग को दिए गए। दी गई राशि से कैमरे ले लिए गए हैं। आपको बता दें कि मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल ने 71 CCTV कैमरे पूर्व में पुलिस को उपलब्ध कराए हैं जो 25 विभिन्न स्थानों पर लगे हुए हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने 5 लाख की लागत से खरीदे गए 25 कैमरे और 4 NPR कैमरे आज पुलिस को उपलब्ध कराए हैं जो कोतवाली NKG माधवनगर कुटला और रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में लगाए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने 5 लाख रुपए और देने की भी घोषणा की है जिससे NPR कैमरों की संख्या 10 हो जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि यह NPR कैमरे तकनीकी रूप से बहुत उपयोगी भी है। आज इसी लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में विधायक संदीप जायसवाल और पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने पत्रकारों के समक्ष सुरक्षा व्यवस्था में और कसावट लाने के उद्देश्य से अपने विचार रखे। विधायक जायसवाल ने कहा कि नगर में जनसंख्या बढ़ रही है और कॉलोनियां भी बढ़ रही है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए तकनीक का सहारा लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कटनी की सुरक्षा व्यवस्था और कैसे बेहतर हो जिससे यह आदर्श बन सके, इसके लिए वो प्रयासरत है। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जी ने विधायक जायसवाल का इस अवसर पर स्वागत कर पुलिस विभाग की तरफ से धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इस अवसर पर कोतवाली TI अजय सिंह, कुटला TI रोहित डोंगरे सहित अन्य अधिकारियों को भी उपस्थिति रही। आज 25 स्थानों पे जो कैमरों की बात हुई है, पॉइंट चिन्हित किए गए, 5 लाख रुपए की राशि दी गई थी। टोटल अभी तक 98 कैमरे लग चुके हैं। 98 कैमरे ये जो लगाए गए हैं, इससे जनता की सुरक्षा के लिए और अपराधियों को पकड़ने में सहायता मिलेगी, इसके उद्देश्य से लगाए गए हैं। आज अपने सबसे बड़ी बात, आज की जो ये पत्रकार वार्ता थी, इसका स्वरूप बदला। आज सबने मिलकर निर्णय लिया, हमारे सभी पत्रकार साथियों ने मिलकर निर्णय लिया और कौन से ऐसे स्थल हैं जिन पर हमको कैमरे लगाकर नियंत्रण की आवश्यकता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से समस्त पत्रकारों के सुझाव लिए गए, सबने अपने अपने सुझाव दिए, उन स्थलों का चयन किया गया। उसके आधार पे पुनः 10 बड़े कैमरे NPR कैमरे जो बड़े साइज के हैं, उन कैमरों की खासियत यह है कि वो और जगहों पे भी जहाँ लगे वो आपस में कनेक्ट हैं। कोई भी नंबर प्लेट को वो पढ़ेगा अगर तो बता देगा कि पिछले एक महीने में वो गाड़ी कहाँ कहाँ थी, तो अब उसको टारगेट किया गया है। ऐसे 10 कैमरे लगवाए जाएंगे और ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था और सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार इसी तरह से हम आप सबके प्रयासों से, और मैंने जैसा बोला कि अच्छी बात यह है कि आज के जो निर्णय है वो पत्रकारों की ओर से लिए गए निर्णय है। पत्रकारों ने बताया है, हमारे सभी पत्रकार भाइयों ने साथियों ने बताया है कि और कहाँ कहाँ कैमरे लगने चाहिए, इसी तरह से मिलजुल कर हम लोग निर्णय लिए। ये पहले 5 लाख थे, उसके बाद 5 लाख थे, टोटल 98 कैमरे, जैसा अभी 10 कैमरे जो बोले हैं उसकी राशि पुलिस डिपार्टमेंट अपने बजट के हिसाब से बना के देंगे, तो वो राशि जितनी भी होगी वो सेंक्शन कर दी जाए। कटनी से प्रवीण कुमार पारेशर की ये रिपोर्ट।